हेलो गाइस, इस कहानी के 100 चैप्टर पूरे हो गए हैं। इसके बाद के 100 चैप्टर्स हैं, पेशेंस के साथ रहिए। इसके आगे के चैप्टर्स भी मैं कंप्लीट करूंगी। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूरू के जो दादा दादी हैं वो सीईओ के घर में आते हैं और रूरू को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आगे की स्टोरी में क्या होता है कि रूरू भी वहां पर बोलता है कि उसको वहीं रहना है और वो सीईओ का घर जो है वो छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा करके वो इधर उधर उलट पुलट करने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, और बार बार बोलता है कि मुझे नहीं जाना है। तो मिसेज ई मिस्टर ई की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या करे करे। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि हनी, जो हमारा रीजन था वर्ल्ड में घूमने का और ट्रैवल करने का, उसका मेन रीजन ये था कि हम ई को दूरू को ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करने के लिए देना चाहते थे, ना कि इसलिए कि हम एक्चुअली में घूमना चाहते थे। तभी वो बताते हैं कि इस उनके हिसाब से रूरू को और यी को उनको क्लोज लाना था, जिसकी वजह से वो अपना टाइम इधर उधर घूमने में बिताते थे। अब क्या होता है कि मिस्टर यी बोलते हैं कि अब जब रूरू जो है मोर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है यी पे और इस लड़के पे, तो जो उसका फ्रेंड है, तो हमें इसको यहाँ पर शायद छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए करके। दोनों अपना हाथ पकड़ते हैं और सोचते हैं कि अब टाइम आ गया है जब हमें चीजों को लेट इट गो करना चाहिए करके। और तभी मिसेज जी सोचती है कि लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि रूरू जो है अभी भी बहुत छोटा है करके। और तभी मिस्टर ई बोलते हैं कि रूरू ने अपना चॉइस हमें बता दिया है और वो जो है हमारे सन के ऊपर और फैंग के ऊपर हमसे ज्यादा डिपेंड होने लग गया है करके, तो हमें ऐसा इसको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। तो जो रूरू है उसके मन में अभी भी चल रहा है कि उसकी डकी प्रिंस है और फ्राइड चिकन है जो उसे रोज यहाँ पर खाने के लिए मिलता है, और फिर टोमेटो चिप्स भी हैं, और उसको तो अभी तक लग रहा है कि उसको जाना है, तो वो जमीन में लेट के ऐसे टेंट्रम्स दिखाने लगता है। साथ में सी फूड क्रैकर भी मिलता है उसे यहाँ खाने के लिए, ग्रेप जेली भी मिलती है। तभी मिस्टर ई उसकी तरफ देखते हैं और सीईओ भी आता है, और जो हमारा रूरू होता है वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि उसे बिस्किट्स मिलते हैं इसलिए उसको यहाँ से नहीं जाना है। और तभी सीईओ जो है वो रूरू को गोदी में उठाता है और मिसेज ये सोचती है कि हमें लेकिन सीईओ के बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं है। और तभी मिस्टर यी बोलते हैं कि रूरू और जो हमारा बेटा यी है वो तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो हम भी तुम पे ट्रस्ट करके ट्राई करेंगे करके। और इसके अलावा क्या है, अब तुम लोग रिलेशनशिप में भी हो करके, और हम यहाँ जो है रूरू को एवरीडे विजिट करने आ सकते हैं करके। और तभी मिसेज ई बोलती है कि यही एक सॉल्यूशन है क्या हमारे पास। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि हनी, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि हमें एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, और वो काम ये है कि हमें तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे मॉम डैड को अभी हैंडल करना बाकी है। तो वो बोलते हैं कि ये जो है इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे फादर जो है कितने जिद्दी हैं करके। तो बोलते ठीक है, और मिस्टर ये बोलते कि हमें फुली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मिसेज ये बोलती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और इस सब में हम गुरु की केयर नहीं कर सकेंगे, तो यही सिचुएशन जो है ठीक है, मैं सोचती हूँ कि उसे हमें सीईओ के पास ही छोड़ देना चाहिए। और सीईओ सोच रहा होता है कि रूरू जो है वो यी के पेरेंट्स के साथ पला बड़ा हुआ है और उनको अभी भी पता नहीं है, और वो जो है बहुत वरीड होंगे यदि मैं रूरू को यहाँ पर अपने साथ रख लूंगा तो मुझे शायद रूरू को उनके साथ उनके घर भेज देना चाहिए। सीईओ अपने मन में सोच रहा होता है कि उसको रूरू को उनके यहाँ भेज देना चाहिए, और मिस्टर ही और मिसेज ही सोच रहे होते हैं कि उनको रूरू को सीईओ के साथ ही रहने देना चाहिए करके।
और तभी सीयू अपने मन में सोचता है कि मैं रूरू को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को भी भेज सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो रूरू को गोद में उठाता है और आगे की तरफ बढ़ाता है, और फिर दोनों एक साथ, मतलब सी और यी की फैमिली दोनों एक साथ बोलते हैं कि तुम इसे रख लो, तुम इसे रख लो करके। अब रूरू जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है, दोनों पार्टी भी एकदम कंफ्यूज हो जाती है, और रूरू सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं तो अब सडनली होमलेस हो चुका हूँ करके। तभी सीईओ बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग रूरू को लेकर वरीड होंगे, और तभी मिसेस यी बोलती है कि हाँ हमें पता है कि रूरू की क्या चॉइस है करके। फिर दोनों पार्टी कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें ऑकवर्ड लगता है। तो मिसेस यी बोलती है कि रूरू क्या रह सकता है, तभी सीईओ बोलता है कि नहीं आप रूरू को ले जाइए घर पे। अब ये सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड होती जाती है और रूरू बेचारा रोने लगता है ये सोच के कि उसे कोई नहीं चाहता। तो तीनों के तीनों रूरू का मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं कि स्वीट हार्ट तुम रो मत। और तभी मिस्टर ये पूछते कि तुम क्यों रो रहे हो, तो रूरू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग रूरू को अब नहीं चाहते हो करके, और ऐसा करके वो सीईओ को हक कर लेता है। और वो बोलता है कि शायद तुम लोग मुझे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ करके, और बोलता है कि रूरू जो है वो सैड है। तभी सीईओ बोलते है कि तुम ज्यादा नहीं खाते हो, तुम्हें जितना खाना खाना है तुम उतना खाओ। और मिस्टर ई बोलते हैं कि डोंट बी सैड, तुम ज्यादा सैड मत हो, तुम यहाँ रह सकते हो रूरू यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो। और ये भी बोलते हैं और कि किसने कहा कि हम रूरू को नहीं चाहते, और रूरू को जो खाना है रूरू वो खा सकता है करके। तो रूरू रोते रोते सीईओ की तरफ देखता है और मिस्टर ई बोलते हैं कि उसको यहीं रहने दो करके। तभी सीईओ बोलता है कि ठीक है रूरू यहीं रहेगा और जो उसको खाना है जो उसको पसंद है वो यहाँ रह के खा सकता है। तो रूरू बोलता है कि तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना कि जो भी मैं खाना चाहता हूँ वो तुम खाने दोगे, तो सब दोनों पार्टी बोलती है कि हाँ ठीक है हम प्रॉमिस करते हैं। अब रूरू जो है अपना चिप्स का पैकेट लिए हुए सीईओ के कंधे में सोस आ जाता है, और तभी मिस्टर ये बोलते हैं कि तुमको और ये को जो ये तुम्हारा रिलेशनशिप है उसको चेरिश करके रहना चाहिए, और तुम्हें जो है किस्मत ने साथ में मिलाया है करके, हम तुम लोगों के रिलेशनशिप में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और अब जो है फ्यूचर तुम लोगों के ही हाथ में है। और मिसेज ये बोलती है कि हम रूरू को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, आखिरकार वो छोटा बच्चा है और वो कभी कभी नॉटी भी हो जाता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसके साथ काफी पेशेंस से काम लोगे। तो सीईओ बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रूरू की बहुत अच्छे से ख्याल करूंगा और आप लोग कभी भी रूरू को यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि ये सुनकर हमें खुशी हुई करके। अब रात हो चली होती है, फिर उनका दिन भी आ जाता है और वहां पर बात कर रहे होते हैं दूसरी तरफ की पीआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तभी सीईओ का मैनेजर बोलता है कि जो न्यूज है हमने उसको कई बार डिलीट किया है और लेकिन फिर भी नए न्यूज बार बार पॉप अप हो रही है और कोई ना कोई जरूर इसमें मैनिपुलेट कर रहा है करके। और तभी दूसरा आदमी बताया कि हाँ हम बहुत देर से जो रूमर्स हैं उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरी रात से वो रूमर्स हट नहीं रही है और ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत सारे प्लान करके ये काम किया है क्योंकि वो लोग जो रूमर्स है वो अभी भी स्प्रेड कर रहे हैं कि दादाजी को कैंसर है और वो इस चीज न्यूज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो सीईओ बोलता है कि पीआर डिपार्टमेंट को कहो कि काम करते रहे और ऑफिशियल अकाउंट से ट्रुथ पोस्ट करने के लिए बोलो। अब सीईओ और मैनेजर आगे बढ़ते हैं, मैनेजर बोलता है कि मिस्टर टैंग के कैंसर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और ऐसा लगता है कि किसी इनसाइड के ही आदमी ने ये बात मीडिया में लीक करी है। तो सीईओ भी सोचने लगता है, उसका शक जाता है कि उसने अंकल को डॉक्टर से मिलते हुए देखा था प्राइवेटली हॉस्पिटल में, तो लेकिन ग्रैंडफादर ने कहा कि जो उसके अंकल हैं वो उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। और सीईओ को ऐसा फील होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है करके, और तभी वो ऑर्डर देता है कि तुम जाओ मेरे अंकल के सारे जहां जहां वो गए थे पिछले कुछ दिनों में वहां का शेड्यूल निकाल के लेके आओ।
मैनेजर ओके बोलता है। अब सीईओ अपना कोट वोट पहनता है और बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। सीईओ हॉस्पिटल की तरफ जाता है और वहां पर दिखाते हैं कि डॉक्टर जो है वो बोलते हैं डॉक्टर टैंग। तो कोई पूछता है कि मेरे ग्रैंडफादर कैसे हैं, तो डॉक्टर तो मिला हुआ है, तो डॉक्टर बोलता है कि वह वैसे ही है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। तो सीईओ बोलता है अच्छा, पर मेरे ग्रैंडफादर ने तो कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है आई थिंक करके। लेकिन डॉक्टर फिर एकदम से भड़क जाता है, बोलता है तुम क्या सोचते हो, तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ करके, और तुम पेशेंट नहीं हो, तो तुम्हारे जो थॉट है वो बहुत मीनिंगलेस है, और यदि कुछ नहीं है तो मुझे काम करना है, तुम जा सकते हो। वो सीईओ से बहुत बदतमीजी से बात करता है और एक्सक्यूज मी कह के चला जाता है। तो सीईओ आगे बढ़ता है और तभी वो सोचता है कि सीवेन जो है उनका जो पर्सनल डॉक्टर है उससे बात करता है और बोलता है कि मैं जो ग्रैंडफादर है उनको एक ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर ये सब पॉसिबल हो सकता है वो अरेंज करो। तो वो आदमी बोलता है ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। दूसरी तरफ कहते हैं कि शूटिंग हो रही होती है जहाँ पर कोई ईको आवाज लगाता है और बोलता है ये तुम्हारा लास्ट सीन है तो इसलिए तुम रेडी हो जाओ, और ये बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ करके, आई एम रेडी। कहते हैं कि शूटिंग साइट पे कैमरा एक्शन और कट हो रहा होता है और ये अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और जो उनका डायरेक्टर है वो देखता है और बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है करके, और खुश होता है, और ये की जान में जान आती है कि उसने अच्छा शॉट्स वगैरह दिया है, और सभी लोग उनके टीम के बोलते हैं कि भाई बधाई हो, हमने अपने सारे पार्ट्स जो हैं फिनिश कर लिए हैं, और सब लोग ही को बधाई देते हैं, कुछ बोलते हैं थैंक यू इतना एफर्ट करने के लिए, तो ये भी खुश हो रहा होता है। और तभी सब कोई बोलता है कि अब तुम लोग जा सकते हो और जाके बहुत अच्छा आराम वराम करो, अच्छा रेस्ट लो, और तभी लिंग वाई बोलती है कि तुम्हारा जो लास्ट सीन था वो बहुत ही अमेजिंग था करके, और हमारे मेल एक्टर जो हैं दूसरे वाले वो भी बोलते हैं, रैन बोलते हैं कि और हाँ डायरेक्टर ली भी जो है वो बहुत स्माइल कर रहे थे और उनको स्माइल करता हुआ देखना बहुत ही रेयर है करके, और ये हमेशा ये जो होता है मतलब डायरेक्टर हैं वो हमेशा उनकी भावें चढ़ी रहती हैं लेकिन आज वो खुश थे, तो ये बोलता है थैंक यू करके, और सबको थैंक्स देने के बाद बोलता है कि तुम लोग बहुत ही नाइस लोग हो। तो जिंग भी फ्लावर का बुके देती है यी को और उसको बधाई देती है, तो यी फ्लावर बुके लेता है और बोलता है थैंक यू आपने जो मेरी इतने दिन तक केयर करी उसके लिए, और तभी डायरेक्टर बोलता है यी, और तो यी जो है वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है डायरेक्टर ली क्या बात है, तो डायरेक्टर बोलता है कि बधाई हो, मैंने देखा कि तुमने कितना एफर्ट्स डाले हैं तुम्हारी शूटिंग में और तुम जो है तुम में मैंने पोटेंशियल भी देखा है, तो तुम अपना पोटेंशियल जो है अच्छा करो, उसे वेस्ट मत जाने दो, और तभी वो ये भी बोलते हैं कि तुम अपना बेस्ट देते रहो, और ये बात सुनकर बहुत ही भावुक हो जाता है, और तभी बोलता है कि मेरा ऑनर है कि मैं इस क्रू में हूँ और थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए डायरेक्टर, और बोलता है और सारे प्रोफेशनल गाइडेंस और जितने भी मेरे सिंगल सीनियर हैं क्रू में उनको भी वो थैंक्स बोलता है, और बोलता है कि मुझे अभी मैं जानता हूँ मुझे बहुत लर्न करना बाकी है मैं, लेकिन बहुत ही मेहनत करूँगा और अपने एक्टिंग स्किल और स्किल्स को बहुत ज़्यादा निखारूंगा, और मैं अपना जो जितना भी करता हूँ काम मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा और मुझे बहुत चैलेंजिंग वाले रोल्स भी चाहिए तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें खुशी है कि तुम इतना मतलब करोगे और तुम अपने वर्ड्स को जो है हमेशा याद रखना आज जो तुमने कहा है करके, और सब बोलते हैं कि तुमने ये कर लिया है तुम आगे भी कर पाओगे,
हम तुम्हें आगे भी मिलेंगे, हम लोगों से टच में रहना करके, और ये तुम बेस्ट हो करके। तो ये ना झुकता है और सबको आखिरी बार थैंक यू बोलता है, और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमें एक बार और मौका मिले साथ में काम करने का। अब क्या होता है, हॉस्पिटल दिखाते हैं, और हॉस्पिटल में सीईओ और उसके दादाजी जो हैं वो बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं। और ये लोग अभी मतलब नए डॉक्टर के पास आए हैं जो इनका चेकअप करने वाला है, तो ये डॉक्टर जो है रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है। तो ये डॉक्टर बोलता है कि आप लोग श्योर है क्या कि ये जो आप रिपोर्ट मेरे पास लाए हैं वो इसी आदमी के हैं करके, और सेम रिपोर्ट्स हैं। तो इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है। तो सीईओ और सीईओ के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और पूछता है सीईओ कि कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या मेरे फादर के ग्रैंडफादर के मेडिकल रिकॉर्ड ठीक नहीं है क्या। तो जो डॉक्टर है वो बोलता है कि ये जो है ये इम्पॉसिबल है जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और ये जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारे ग्रैंडफादर का जो कैंसर है वो बहुत ही वर्स स्टेज में है करके, लेकिन और इसमें ये भी लिखा है कि इसके ग्रैंडफादर के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और जो है ट्रीटमेंट है यदि हम ट्रीटमेंट देंगे भी तो कुछ ही समय तक के लिए हम उनको बचा पाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। और ये भी लिखा है कि कोई भी इनको बचा नहीं सकता है। तो जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, और तभी डॉक्टर बोलता है लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं हमने जो किए हैं करंट वाले उसमें दिखा रहा है कि कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज में है, मतलब कि दादाजी के पास अभी भी ठीक होने का टाइम है, और ये जो है यदि इस टाइम पे ऑपरेशन एक्सेप्ट करेंगे तो इनकी कंडीशंस जो है वो बेटर हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि इनका जो कैंसर है वो परमानेंटली क्योर हो जाए। तो सीईओ और दादाजी का मुंह खुला रहता है क्योंकि अभी तक दादाजी की कंडीशंस को क्रिटिकल बताया जा रहा था पुराने अस्पताल में, लेकिन इस नए अस्पताल के डॉक्टर ने क्लियर किया है कि दादाजी का जो कैंसर है वो फर्स्ट स्टेज का है। तो डॉक्टर बोलती है कि जो ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा, और हम ऑपरेशन करने के बाद रेगुलर चेकअप्स वगैरह जो हैं वो अरेंज करेंगे, और ये ऐसा इसलिए करेंगे जिससे हमें पता चले कि तुम्हारा कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा। तो जो दादाजी होते हैं उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वो पूछते रियली ऐसा हो सकता है क्या। तो डॉक्टर थोड़ा सा गुस्सा करती है, बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो तुम्हारे रिजल्ट से टेस्ट रिजल्ट से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और कैसे कोई ये जो है टर्मिनल स्टेज बता सकता है जबकि ये अर्ली स्टेज में है करके। क्या तुम लोग मेरी एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं प्रोफेशनल फिजिशियन हूँ, और नहीं तो तुमको ऐसा लगता है कि मैं फेक डॉक्टर हूँ तो मेरा यहाँ टाइम मत वेस्ट करो। डॉक्टर से गुस्सा होकर सीईओ को बोलती है, तो सीईओ बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं कि सीईओ का हाथ पकड़ते हैं और उसको रोकते हैं, और फिर पूछते हैं क्या जो डॉक्टर ने कहा है वो सही कहा है क्या। तो वो दादाजी जो है सीईओ को पूछते हैं कि मैं कैसे सडनली बेटर फील कर सकता हूँ करके। तो सीईओ को याद आता है कि कैसे रूरू ने दादाजी के कपड़ों के अंदर हाथ वाथ डाल के, जैसे वो बोलता था ना वो धागे खोल रहा है, तो उसे सीईओ को ये सीन याद आता है। और जो हमारी लेडी डॉक्टर है वो बोलती है कि अभी राइट टाइम है पेशेंट की सर्जरी करने का, तो तुम लोगों को डिसीजन जल्दी लेने की जरूरत है। तो सीईओ बोलता है कि ग्रैंडफादर आपको क्या लगता है। तो ग्रैंडफादर सोचते हैं और फिर चाय की तरफ देखते हैं, और सीईओ बोलता है कि मेरे ख्याल से आपको सर्जरी एक्सेप्ट करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप क्योर हो जाओ। और जो हमारे दादाजी हैं वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे अच्छे से याद है कि मैं कितना डिप्रेस था, डेस्परेट था, पेनफुल था, और जब मुझे पता चला था कि मेरा कैंसर वापस आ गया है करके, और अब जब मुझे बता रहा है कोई कि मेरे को ठीक होने की पॉसिबिलिटी है तो मुझे सब कुछ थोड़ा सा विश्वास जैसा नहीं हो रहा है करके। तो
लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये मेरा ड्रीम ना हो, और ऐसा भी ना हो कि कोई मुझे होप दे रहा हो और फिर मेरा होप ले ले और मुझे बहुत डीप डिप्रेशन में डाल दे करके। और तस्वीर बोलता है कि ग्रैंडफादर यदि आपको भरोसा नहीं है तो हम एक और एक चेकअप कहीं और भी जगह से कर सकते हैं, तो आपको जो है ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। और बोलता है कि आप वाकई में ठीक हो रहे हैं, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है करके। और तभी दादा बोलते हैं कि मुझे पता है किसी ने मेरे कैंसर वाली न्यूज को जो है लीक किया था, और तुम्हें मेरे से ये बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो न्यू है मतलब जो दादाजी का मैनेजर है, उसने दादाजी को सब कुछ पहले से थोड़ा बहुत बताया होता है। और वो दादाजी जो है वो गुस्से में होते हैं, वो बोलते हैं कि जिस पर्सन ने ये किया है उसका कोई पर्पस होगा, और वो जो है टाइम ग्रुप के अंदर केओस करना चाहता है, मतलब झगड़ा लगाना चाहता है, और जो है हमारे कंपनी के प्राइस भी ऐसे ड्रॉप करना चाहता है। तो यदि मैं बेटर फील करूंगा तो, तभी दादाजी सोचते हैं कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा तो मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मुझे कोई भी और हमारे फैन ग्रुप को कोई भी तोड़ नहीं सकता है करके। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक आदमी को दिखाते हैं जो बॉक्सिंग वगैरह कर रहा है, और हमारी जो क्वीन है वो बोलती है कि ये लोग कैसे ऐसा लिख सकते हैं करके मीडिया वाले, और वो बोलती है कि उन लोगों ने कितना अभी तक प्रबल फैला दिया है और ऐसी सब चीजें ग्रैंड फादर के बारे में कौन बोलता है करके। वो अपने ही ट्रेनर को भूसा मार देती है और सोचती है कि मैं इन सबके साथ बदला जरूर लूंगी। तो ट्रेनर बोलता है कैसे, तो हमारी जो ये है क्वीन जो है वो बोलती है कि मैं उन सबको लात वात मारूंगी, लेकिन मैं जो हूँ लॉ के द्वारा अबाइड करी हुई सिटीजन हूँ करके, और मैं लॉ का वेपन की तरह यूज करूंगी और उन लोगों के शेमलेस मीडिया को सू करूंगी करके। तो ट्रेनर बोलते हैं कि लेकिन ये सब तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि लॉ सूट वगैरह करते हैं तो इन सब में टाइम लगता है, और जो यूमर से वो हर जगह फैली हुई है, और जो पीआर डिपार्टमेंट है वो भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है, और उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी ये रूमर्स को बिल्कुल बंद नहीं करवा पा रहा है। तो क्वीन बोलती है तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, और ये जो मीडिया है वो कंपनी के साथ ठीक नहीं कर रही है। और तभी ट्रेनर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स हैं जिनके पास मीडिया का रिसोर्स हो करके। तो क्वीन को ये लगता है कि कौन से फ्रेंड्स हो सकते हैं करके मीडिया के, वो सोचती है। तभी फोन बजता है और जो लिंग वाई है वो फोन उठाती है, और वो जो क्वीन है वो लिंग वाई को फोन करती है और बोलती है कि मेरे पे एक फेवर करो, और तुम्हें तो मीडिया के बारे में प्रेस के बारे में काफी पता होगा, तो मुझे एक न्यूज डिलीट करवानी है, क्या तुम डिलीट कर सकती हो, बहुत अर्जेंट है करके। और वो बोलती है कि ये लोग मेरे ब्रदर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मेरे ब्रदर को बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं, तो सिस क्या तुम कुछ कर सकती हो क्या। तो लिंगवाई सोचती है और उसका ये जो क्वीन है वो बोलती है कि तुमने अपना शूटिंग वगैरह खत्म कर लिया क्या। और तभी यहाँ दिखाते हैं कि ये और जो हमारा दूसरा एक्टर है वो बात कर रहे होते हैं, और दूसरा एक्टर बोलता है कि क्या तुम सैड हो क्या कि आज हम लोग सब जा रहे हैं। तो ये बोलता है नहीं, और ये भी वो देख रहा होता है न्यूज जो हॉट सर्च पे चल रही होती है, और उसे बहुत वियर्ड लगता है। तो हमारा सेकंड में लीड भी बोलता है कि मुझे भी देखने दो, और लिंग वाइज होती है उसका भी ध्यान यहीं पे होता है।
तभी अंकल जो है बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनका जो प्लान है वो काम करने वाला है, और बिग शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वो लोग भी वहां पर बहुत अनकॉन्शियस हो रहे हैं करके। और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी को भी कोई हिंट दूं, बस हमें बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलानी चाहिए करके। और बोलते हैं कि आपका चांस है डिप्टी चेयरमैन करके, तो अंकल और भी ज्यादा खुश होते हैं कि यही उनका चांस है। लिंगवाई भी वो न्यूज़ देती है, हमारा जो यी के साथ ड्रामा में काम करने वाला सेकंड हीरो था वो भी देखता है, यी भी देखता है, सब लोग मिलकर न्यूज देख रहे होते हैं हॉटस्टार पे कि क्या है क्या नहीं है। और उसमें लिखा होता है कि चेयरमैन जो है टाइम ग्रुप के वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, और वो अब कैसे मतलब क्या करेंगे करके तब उनके बारे में न्यूज छपी होती है। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में फोन आता है सीईओ को कि ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखना चाहते हैं। ये सुन के सीईओ को थोड़ा शॉक सा लगता है, और तभी हमारे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि रुको, और वो बोलते हैं कि तुमने अभी ये कहा कि वो लोग बोर्ड ऑफ मीटिंग रखना चाहते हैं, डायरेक्टर वाला मीटिंग रखना चाहते हैं। ग्रैंडफादर को भी विश्वास नहीं होता है, और वो मन में सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि दादाजी का जो पावर है वो उनको मिल जाए। अब क्या होता है, सीईओ बोलता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो क्या फोन रख देता है, और दादाजी अभी भी सोच रहे होते हैं। और सीईओ बोलता है कि दादाजी मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, आप बैठिए, आपका जो हेल्थ है वो पहले आता है करके, और जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तब हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तभी दादाजी बोलते हैं ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है, तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते, ये लोग जो है वहां पर बहुत ही कनिंग लोग हैं और वो तुमसे कोई भी मर्सी वगैरह नहीं दिखाएंगे करके। और इसके अलावा जो हमारे मतलब कोई ऐसा है जो हमें डेलिब्रेटली हमारा इसका पूरी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, और तुमको वो लोग टारगेट कर सकते हैं यदि तुम वहां पर शो करोगे तो। अब दादाजी सोचते हैं कि जिन याओ तुम अभी भी बहुत यंग हो इन सब चीजों के लिए। तो सीईओ दादाजी को देखता है और उनकी चाय अभी भी ठंडी हो रही होती है। तो सीईओ बोलता है लेकिन आपका कैंसर, तो दादाजी बोलते हैं इट्स ओके, अगर मैं अभी ऑपरेशन करवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा मेरी रिकवरी होने में, और अभी जो है टाइम ग्रुप को मुझे ऐसे बुरे लोगों के पंजों से बचाना है करके। और वो दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मुझे रिलैक्स नहीं होगा और मैं सर्जरी से पहले तक मतलब चिंता में रहूंगा करके। तो सीओ बोलता है फाइन ठीक है, पर मुझे आपका प्रॉमिस चाहिए कि आप ऑपरेशन को जो है एक्सेप्ट करोगे ये मीटिंग हो जाने के बाद। तो दादाजी हंसते हुए बोलते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब बहुत बेटर फील होता है और मुझे भगवान अच्छे से ट्रीट कर रहा है, और मुझे भगवान ने बहुत ब्लेस्ड भी किया है, और ये मेरिकल ही है कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। और दादाजी बोलते हैं जाओ अपने अंकल को जाके ढूंढो, हमें उनसे बात करने की जरूरत है। तो सीईओ सोचता है कि मैं क्या बोलूं, और फिर वो दादाजी को बताता है कि ग्रैंडफादर एक्चुअली मैंने अपने अंकल को डॉक्टर टेन के साथ देखा था करके, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, और ये जो चेकअप है हमने जो किया है मैंने किसी को इसके बारे में बताया नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं लेकिन तुमने जब यहाँ पर आए थे तो कहा था कि यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेल फंक्शन है, इसलिए हम जा रहे हैं दूसरे अस्पताल में चेकअप कराने के लिए। तो सीओ बताता है कि एक ऐसी चीज है जो मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, मैंने अंकल को हॉस्पिटल में उस दिन देखा था जिस दिन उन्हें बिजनेस ट्रिप पे जाना था, वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं गए थे लेकिन वो हॉस्पिटल में थे, और मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको अंकल ने विजिट किया था क्या, तो आपने कहा था नहीं, और आपने कहा था कि उसकी तो मीटिंग है तो वो डॉक्टर टैंग के साथ कैसे हो सकता है।
तो अंकल और जो डॉक्टर टैंक के बीच की बात होती है वो ऐसी होती है कि अंकल बोल रहे होते हैं कि अंकल के बारे में सीईओ बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या बात कर रहे थे और मुझे अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है, मैं इसको प्रूफ नहीं दे सकता। लेकिन जो आदमी को बिजनेस ट्रिप में होना चाहिए था वो सडनली हॉस्पिटल में शो करता है और वो आपको भी मिलने नहीं आता है लेकिन डायरेक्ट डॉक्टर से मिलता है, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए? तो जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? तो सीईओ अपना फोन निकालता है और वो वीडियो दिखाता है कि ये डॉक्टर के पास गया था जब मैं रूरू को पिक करने आया था, और जो डॉक्टर टैंग है और उनका फेस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। और मुझे लगा कि ऐसा इसलिए कि शायद आपकी कंडीशन वर्स हो गई हो, इसलिए शायद वो ऐसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने उनको फॉलो किया और मुझे नहीं पता था कि उनके बीच में क्या चल रहा है, और अंकल जो थे वो प्राइवेटली डॉक्टर को मिल रहे थे। तो हमारे ग्रैंडफादर जो है वो सोच में डूब जाते हैं और बोलते हैं, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर ये बोलता है कि मैं ये सुन नहीं सकता था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया भी नहीं था जब तक आपके कैंसर के रिपोर्ट्स मीडिया में एक्सपोज नहीं हुए थे। तो दादाजी बोलते हैं, नो वंडर, मुझे लग ही रहा था कि मैं इतने समय से बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर हमेशा बोलता था कि आपकी कंडीशन जो है वो वर्स होती जा रही है। और जो कुछ ही फैमिली के मेंबर्स थे जो मेरे कंडीशन के बारे में जानते थे, और ये एक छोटा सा इशू था जो कि मैंने उन लोगों को ये कह के बताया था, लेकिन मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया तक कैसे पहुंच गए और उन लोगों ने ये सब मेरे बारे में ऐसा न्यूज़ कैसे छाप दिया? तो सीओ बोलता है, ग्रैंडपा, हम अभी तक श्योर नहीं है कि अंकल इन्वॉल्व है कि नहीं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। जो फैंग जैंग है, मतलब इसके अंकल है, उनका जो एम्बिशन है वो बहुत ही बड़ा है करके, और वो जो था वो पहला पर्सन था जिसने रूल आउट किया था इनकी कंपनी को, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे इनका कंडीशन एक्सपोज हो जाएगा करके, और मैं जानता हूँ कि उसको कितना मेरा पोजीशन चाहिए करके, और मुझे ये भी जानता हूँ कि मुझे लगा था कि वो मेरा ट्रस्ट विन करने की कोशिश करेगा और हमारी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट में लगा था। मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ उल्टा ही करेगा और वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर दूं। और ऐसा करके दादाजी को हंसी आ जाती है। तो ये बोलता है, आप ठीक हो क्या? तो दादाजी बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर दादाजी गहरी सोच में डूब जाते हैं। अब क्या होता है, ये फोन में देख रहा होता है और उसको भी ये न्यूज मिलती है कि जिन याओ जो है उसके ग्रैंडफादर जो है वो हॉस्पिटल में मरने वाले हैं। तो लिंगाई पूछती है, ही उन क्या तुम उनके बारे में वरीड हो? तो ही बोलता है, हाँ। और तभी लिंगाई बोलती है, मैंने वो सारे अकाउंट्स को चेक किया है जिन्होंने ये न्यूज पोस्ट की है, और ये जो है पेड पोस्टर्स हैं और किसी ने इनको पैसा दिया है ये सब करने के लिए, तो तुम्हें डायरेक्टली उन लोगों से पूछना चाहिए और ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और तभी बोलता है, लेकिन यदि ये न्यूज सच्ची हुई तो क्या होगा? क्या मैं यदि डायरेक्ट पूछूंगा सीईओ से तो क्या वो और भी अपसेट हो जाएगा क्या? तो ये हमारा जो रैन होता है सेकंड शूटिंग का एक्टर, वो बोलता है, कौन वरी करेगा करके, और वो बोलता है कि क्या गलत है इस हॉट सर्च में, और ये नॉर्मली है सेलिब्रिटीज के लिए। तो और मेरा मतलब ये है कि हमें तो जो है अधिकतर लोग हेट और क्रिटिसाइज करते हैं करके। और तभी ये फैसला करता है कि मुझे वापस जाने की जरूरत है, और तभी वो बोलता है कि लिंग भाई सॉरी, मुझे वापस जाना पड़ेगा, ये मेरा प्राइवेट इशू है करके, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, मैं पार्टी कैंसिल करता हूँ। और जब मेरे जब तुम लोगों का शूटिंग वूटिंग ओवर हो जाएगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं सबसे अपोलॉजी कर लूंगा।
तो रैंडन बोलता है कि तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो और भूलना मत मुझे मिस करना। और लिंगवाई सोचती है वो क्या करे, और वो अपने मन में सोचती है कि इस न्यूज का जो है बहुत ही मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है फैन ग्रुप पे। तो वो पूछती है, बोलती है कि उनका जो पीआर डिपार्टमेंट है वो इस न्यूज को डाउन नहीं कर पा रहा है, और इसका मतलब ये है कि उनके पास इतना पावर नहीं है। तो ये भी सोचता है कि क्या करे। तो लिंगवाई पूछती है कि तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए क्या, तो वो बोलती है कि मैं तुमको हेल्प कर सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। तो ये जो है वो थोड़ा सोच में डूब जाता है। और फिर दिखाते हैं कि गाड़ी चल रही होती है और सीईओ फोन में मैसेज देख रहा होता है जो मोजिंग ने भेजा होता है, मतलब जो अभी पिंक हेयर वाली लड़की होती है ना नीचे बाजू में, उसने भेजा होता है कि हम लोग आज रात को वापस आ रहे हैं और हमारा फ्लाइट जो है इतने इतने बजे पे और यहाँ से निकलेगा और इतने इतने बजे हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, हमारे हमारे बोर्डिंग पास भी मिल गए हैं, हम लोग बोर्ड कर गए हैं एरोप्लेन में। और सीओ सोचता है कि मैंने बहुत देर से अपना जो फोन है वो चेक नहीं किया क्योंकि मैं ग्रैंडफादर के साथ था, मुझे नहीं पता था कि आज ये एडवांस में यहाँ पर पहुंच जाएगा। और वो टाइम देखता है, बोलता है कि ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और यहाँ का ट्रैफिक बहुत हॉरेबल है और मुझे नहीं पता कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं। अब हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाते हैं और जो हमारा सीईओ है वो एयरपोर्ट निकल पड़ता है, और वहां पर दिखाते हैं कि उनका क्या क्या टाइम चल रहा है उनके एरोप्लेन का, एरोप्लेन लैंड कर चुका है। वो बता रहे हैं कि हम लोग निकल रहे हैं, हम आपके बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका लगेज ये है वो है, जो फ्लाइट से निकलते वक्त की सारी चीजें होती है वो सब यहाँ दिखाते हैं। और सीओ सोचता है कि अब तक यी को आ जाना चाहिए था, और वो यी को इधर उधर देख रहा होता है और तभी उसे आवाज आती है कि किसी ने उसका नाम पुकारा और वो देखने लगता है। सीओ देखता है कि यी, और यी एकदम दौड़ के आता है और सीओ के गले लग जाता है, और जो हमारे सीईओ है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, लेकिन वो फिर भी यी को हग करते हैं और दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े रहते हैं। और यी बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैंने ग्रैंडफादर के बारे में सुना, और ऐसा सोच के वो सीईओ के कंधे पे सिर रखता है और बोलता है आई एम सो सॉरी करके।